गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? सो वेलकम अगेन, वेलकम टू गो प्रेप। आई एम अंशुल तोमर, योर मैथमेटिक्स मेंटोर। कैसे आप सब लोग? सो गुड इवनिंग एवरीवन, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। बंसीधर जोशी, राम साय भारद्वाज, दुर्गा, ओम, शशि किरण, साइंटिफिक, प्रतीक्षा, नम्रतबा, इंडियन पायलट, तनु, उमेश, राहुल, भगत, उत्कर्ष, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। तो कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? कैसा कट रहा है ये लॉकडाउन का पीरियड? आप उनसे शेयर कर सकते हो, कुछ बातें हम लोग शेयर करते हैं। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। आज का सेशन काफी डिमांडिंग था। काफी बच्चों ने मुझे बोला था कि सर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सेशन रखो, तो आज आपकी जो डिमांड है वो मान ली गई है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैं आज, जो भी आपका डर है, मैंने आज इसका टाइटल इसे रखा है बिकम फ्यूलेस इन पीएनसी। तो बिकॉज काफी बच्चों को डर लगता है, और मैं ये नहीं कहूंगा एग्जैक्टली डर लगता है, काफी बच्चों का वीक पॉइंट भी होता है। कुछ बच्चों को लगता है क्या ये चैप्टर छोड़ने लायक है, क्या इसके बिना काम चल जाएगा। आई वुड से नो कि जब आप जेई मेन में जाते हो और वहां पे कई बार आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में से भी बहुत मुश्किल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप प्रिपेयर करके जाना चाहिए, क्योंकि अब आपको 2 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है। तो उस 2 महीने में यू शुड प्रिपेयर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम आसमान के लेवल तक पहुंच जाओ पीएनसी में, वो कोई नहीं पहुंच सकता, बट एटलीस्ट उस लेवल पे पहुंच जाओ जहां पे आपका जेई मेन में जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो आप क्रैक कर पाओ, वो आप फोड़ पाओ। तो आज मैं वैसा ही आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ जेई मेन। आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एक आदमी इसलिए बोल रहा हूं रह सकता है बिकॉज ऑफ कि यार बहुत कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वेश्चन आ गया जो हमसे नहीं उस टाइम पे क्लिक किया, या फिर बहुत लेंदी हुआ। सो दे मेक श्योर कि आज पीएनसी का लेक्चर आप पूरा देखोगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों के कमेंट्स ले लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं फटाफट से। थैंक्स प्रांजुल बेटा, गुड इवनिंग अमायरा, भगत, सायराज, सानिध्य, चिंटू, अमित, सब बच्चे आ चुके हैं। जल्दी से आ जाओ, इस सेशन को फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, और या फिर अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, ठीक है? लेकिन फटाफट से यार लाइक कर दो इस सेशन को। आज पीएनसी की क्लास है और आई थिंक इससे अच्छा चैप्टर कोई नहीं हो सकता, ठीक है? और जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डर लगता है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं ऐसा भी नहीं कि बहुत हाई लेवल क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा भी नहीं कि बहुत लो लेवल कराऊंगा। आज हम वो कॉन्सेप्ट्स करेंगे जो आपके, जैसे हमने बाकी क्लासेस में करते हैं, आई विल मेक श्योर कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएं और शार्पन हो जाएं, अच्छे से आ जाएं, ठीक है? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। पूरा हो जाएगा अदिति? बिल्कुल बेटा पूरा हो जाएगा। अगर अगर आपको लगता है कि और सेशन लेने होंगे पीएनसी के तो मैं वो भी ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा आपके लिए नए सवाल लेकर आता हूं, नए क्वेश्चंस बनाता हूं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आई वुड लाइक टू अनाउंस रैंक अप जेई कोर्स। बहुत कम टाइम रह गया है, 2 दिन बाद मंडे से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। इफ यू वॉन्ट इट, अगर आपने अपना एडमिशन नहीं लिया है तो यू शुड टेक इट, बेनिफिशियल। इसके बहुत आपके बहुत ज्यादा फायदे हैं कि आप इसके अंदर आपको होम असाइनमेंट देखो। काफी सारे बच्चों को लगता है लास्ट मोमेंट पे मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए और क्वेश्चंस कहां से आएंगे, बुक बहुत लंबी होती है। मैं हमेशा हर लेक्चर में आपको ही बोलता हूं, तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि यस सर वी वांट टू प्रिपेयर, मुझे 2 महीने यूटिलाइज करने हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई मुझे करनी है, एक असाइनमेंट मिल जाए, डीपीपीज मिल जाए, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स मिल जाए, क्वेश्चन बैंक मिल जाए, तो दिस कोर्स इज फॉर यू गाइज। तो आपको ये कोर्स कर लेना चाहिए अगर आपको लगता है कि मुझे 2 महीने प्रॉब्लम होती है, सर मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, किस टाइम लिमिट में पढ़ूं, तो दिस कोर्स विल हैव अ स्ट्रक्चर। और बाकी ऑब्वियसली सब चीजें इसके अंदर है, मॉक टेस्ट है, स्टडी नोट्स है, तो विल गेट एवरीथिंग बेटा, ठीक है? तो डू ज्वाइन दिस कोर्स, और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, और गो प्रेप ऐप यू कैन डाउनलोड इट, सब्सक्राइब इट, एंड यू कैन जस्ट कन्फर्म इट। क्रैश कोर्स के बारे में आप और देख सकते हो, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस अमेजिंग सेशन ऑफ पीएनसी, और मैं पहला सवाल लाने वाला हूं। आज हम कॉम्बिनेशंस पे, सिलेक्शंस पे, सब पे क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको सर्कुलर के क्वेश्चन भी कराऊंगा, ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन के भी कराऊंगा। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज करता चलूंगा जैसे कल मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में किए थे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमेशा जब भी हम लोग नारियल फोड़ते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है जो आपका परमुटेशन के नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका पहला सवाल है बेटा, ठीक है? लेट द नंबर 4, 5, 6, 7, 8 आर रिटन इन एवरी पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है? ये नंबर हर पॉसिबल ऑर्डर में लिखा गया है, देख लो कितनी परमुटेशन हो जाएंगी।
आपको बताने हैं ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 56,000 से ज्यादा हैं, वो 15 के हैं, आपको के बताना है। 56,000 से ज्यादा कितने नंबर होंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो नंबर के घुमाने वाले सवाल होते हैं, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ये जितने भी सवाल होते हैं ये जेई मेन वालों के फेवरेट है। तो मैं चाहता हूं कि आज आप इस क्वेश्चन के थ्रू उन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। चलिए तब तक मैं कुछ कमेंट्स ले लेता हूं बच्चों के, तब तक बच्चे इसका आंसर देते हैं फटाफट से, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हैव पेशेंस, आराम से, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वी हैव 70 मिनट्स लेक्चर, हम आराम से इसको सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आई एम देयर फॉर यू, ठीक है, टिल द एंड मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाकर जाऊंगा, कहीं भी आपको वीक पॉइंट लगता है यू कैन आस्क मी द डाउट, ठीक है, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। चलिए लॉकडाउन का मौसम ग्रेड अप के साथ कट रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कटना चाहिए, एंड विल हेल्प यू पूरा इस सीजन, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, विल हेल्प यू, हर रोज सेशन होगा 5, 6, 7 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हम बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे, आपकी प्रिपरेशन को इनहेंस करते रहेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो जिन जो बच्चे वीक बोल रहे हैं सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आज लेक्चर पूरा अटेंड करो, यू विल डेफिनेटली फील बेटर, और आज हम इसलिए आए हैं कि यू हैव टू बिकम फियरलेस इन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों के आंसर आने शुरू हुए क्या, मैं कमेंट्स देखना शुरू कर रहा हूं। 6 बोला है इंडियन पायलट ने, 6 आंसर बोला है, दीना ने बोला है सी, राहुल ने बोला है सी, तनु ने बोला है सी, राघव मिश्रा ने बोला है सी, पार्थ पटेल इज ऑल्सो सेइंग सी, ठीक है, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं, विशाल ने बोला सी, उदित्या गोस्वामी ने बोला है सी, राघव, अनिकेत, मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग सी, सी फॉर कोरोना, गो कोरोना, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। देखो सबसे पहली बात तो इसके अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि 4, 5, 6, 7, 8 जो है वो 5 नंबर्स हैं, हर पॉसिबल ऑर्डर में लिखना है, तो इसके टोटल परमुटेशन 5 फैक्टर हो जाएंगे 120, क्योंकि रिपीटेशन इसके अंदर अलाउड नहीं होगा, ठीक है, वो बात समझ में आ गई। अब 56,000 से ज्यादा नंबर चाहिए, तो 56,000 से ज्यादा नंबर चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 डिजिट नंबर आपको चाहिए, तो 56 से स्टार्ट करते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कौन कौन से नंबर बच गए, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो 5, 6 तो आ चुका है, ये 3 वेज में फेल हो जाएगा, ये 2 वेज में, ये 1 वेज में, तो 6 तो ऐसे नंबर्स बनेंगे जो 56,000 से ज्यादा होंगे, और नंबर्स भी बना लेते हैं जो 5, 7 से स्टार्ट होंगे, तो 5, 7 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर्स होंगे देख लो, तो 5, 7 हटाओगे तो भी 3, 2, 1, इसके भी 6 नंबर्स होंगे, ठीक है, फिर आएगा 5, 8, 5, 8 से स्टार्ट होने वाले भी 6 होंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग 6 से, तो देखते हैं 6 से कितने नंबर्स होंगे, 6 में 4, 3, 2, 1, 24 हो जाएंगे जो 6 से स्टार्ट होंगे, उसके बाद 7 से स्टार्ट करेंगे हम लोग तो वो भी 24 हो जाएंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 7 अगर आ गया है तो 4, 5, 6, 8, 4 वेज 3 वेज 2 वेज 1 वेज, 4, 3, 2, 1, और लास्ट में अगर 8 से स्टार्ट करोगे तो भी इसका आंसर जो आएगा वो 24 आएगा, अगर सबको ऐड करो, ठीक है, आप सबको ऐड कर लो तो देखो कितने कितने नंबर बनेंगे टोटल, ये आएगा आपका 72 एंड 18, तो टोटल नंबर आएंगे बेटा 90, विच इज इक्वल टू 15K, तो K की वैल्यू आ जाएगी 6, तो 6 इज द राइट आंसर, 6 बिल्कुल सही आंसर है। कितने बच्चों का ये ठीक हुआ जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ कितने बच्चों का ठीक हुआ, सिंपल प्रॉब्लम था, इट वाज अ सिंपल प्रॉब्लम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी वाले सेक्शन से आते हैं जिसके अंदर नंबर को हम लोगों को अरेंज करना होता है, तो इसके अंदर हम बॉक्स मेथड यूज करते हैं, ठीक है। 56,000 से ज्यादा नंबर चाहिए थे तो 56 से स्टार्ट किया, आगे 3, 2, 1 वे में फिल कर दिया तीनों ब्लैंक्स, 57 में 3, 2, 1 में, 58 में 3, 2, 1 में, फिर 6 वाली लाइन शुरू हो जाएगी 24 वेज, 7 वाली पूरी लाइन और 8 वाली पूरी लाइन, तो टोटल 90 नंबर्स आ गए, तो K की वैल्यू आ गई बेटा 6, ठीक है। रिपीटेशन नहीं होगा नितिन बेटा, इसलिए नहीं होगा रिपीटेशन, क्योंकि बोला गया सारे नंबर हर पॉसिबल ऑर्डर में लिखे गए हैं, पॉसिबल ऑर्डर का मतलब इसको परमुटेशन किया गया 4, 5, 6, 7, 8 को, विच इज 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल तभी लगता है जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 8, 7, तो दिस इज विदाउट रिपीटेशन, ठीक है, ध्यान रखना ये, इसमें गलती हो सकती है, ठीक है। चलिए सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगले क्वेश्चन पे चले, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके, अगला क्वेश्चन आता है आपका सिलेक्शन का,
इफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 बैट्समैन, चलो क्रिकेट की कहानी आ गई, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग क्रिकेट को मिस कर रहे हैं इस टाइम पे यार, आईपीएल का मजा कर रहे होते हम लोग, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन के थ्रू ही मन बहला लेते हैं। तो क्रिकेट टीम 11 प्लेयर की सिलेक्ट करनी है, 8 बैट्समैन हैं, 6 बॉलर्स हैं, 4 ऑलराउंडर हैं, 2 सॉरी क्रिकेट कीपर्स लिखा है, दैट इज विकेट कीपर्स, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो गई, दिस इज विकेट कीपर्स, ठीक है। देन नंबर ऑफ सिलेक्शंस व्हेन टू पर्टिकुलर बैट्समैन डोंट वांट टू प्ले, दो लोगों ने भाई मना कर दिया, कोहली ने और धोनी ने मना कर दिया कि अगर बुमराह खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस चुरा लेता है, ठीक है। तो दो बैट्समैन ने बोला पर्टिकुलर लोगों ने कि मैं नहीं खेलना चाहता अगर वो पर्टिकुलर बॉलर खेलेगा, तो देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं जेई मेन में, ठीक है। अगर सिलेक्शन और परमुटेशन के ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं तो आई थिंक आप जेई मेन में 100% क्वेश्चन ठीक कर दोगे, ठीक है। चलो देखते हैं, तब तक मैं बच्चों के कुछ कमेंट ले लेता हूं जल्दी से, फिर आंसर पढ़ेंगे इसका, क्या बोल रहे हैं बच्चे। रिपीटेशन होगा नितिन, मैंने बता दिया पिछले क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड नहीं है क्योंकि बोला गया हर पॉसिबल ऑर्डर में उसको अरेंज करना है विच इज विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। 56,000 से अगर कम होते धनावत तो टोटल में से वो वाले माइनस कर देते जो 56,000 से ज्यादा थे, या फिर नॉर्मली 4 से स्टार्ट कर लो, जो नंबर 4 से स्टार्ट होंगे और 5-4 पे खत्म हो जाएंगे वो हो जाएंगे नंबर, आप देख सकते हो ये तो आराम से, ठीक है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा फटाफट से। उदित बेटा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आराम से देखो, वीक बोलने से वो वीक ही रहेगा, आज हम इसको स्ट्रॉन्ग करके रहेंगे, फोड़ के रहेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के इस चैप्टर को, ठीक है। बिकम फियरलेस, आज मुझे डर भगाना है इसका, थिंक अबाउट इट, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं, आई विल टेक इट आराम से, इजी पीजी नॉर्मली सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। ओके, आंसर्स आने थोड़े से शुरू हुए हैं, आकाश ने बोला है ए, ओके, अंशिका ने बोला है वेरी गुड, सार्थक ए, तनु ए, मयंक ने बोला सर 3 केस बनेंगे, देखते हैं मयंक बताओ क्या आंसर आएगा बेटा। जानवी ने बोला ए, हिमांशी डी, दिव्यांश ए, ओके लेट्स सी, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। उमेश ने ए बोला है, सर मुझे बिना रिवीजन की पीएनसी आ जाता है, बेटा देखो इन क्वेश्चंस के थ्रू ना आप रिवीजन ही कर रहे हो, पीएनसी की कोई रिवीजन नहीं होती यार, पीएनसी में क्या रिवीजन करके आओगे, परमुटेशन में बेसिकली क्वेश्चन ही तो सॉल्व करोगे, तो ये रिवीजन ही तो है। मैं आपकी ऐसी बहुत रिविजन करवाऊंगा, चिंता मत करना, ऐसा नहीं कि पीएनसी में आखिरी बार ले रहा हूं, थोड़े दिनों बाद हफ्ते दो हफ्ते फिर मैं पीएनसी की रिविजन कराऊंगा, आई विल टेक ऑल द चैप्टर्स, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, तो काफी सारे बच्चों ने सॉल्व किया है, अब देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 11 प्लेयर हैं, उसमें से 8 बैट्समैन हैं, 6 बॉलर हैं, 4 ऑलराउंडर हैं, 2 विकेट कीपर हैं। उन्होंने बोला यार 2 बैट्समैन खेलना नहीं चाहते, उन्होंने मना कर दिया अगर एक बॉलर को खिलाया जाएगा तो, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं बॉलर को खिला लेते हैं। तो पहला केस आएगा, केस नंबर 1 कि बॉलर इज प्लेइंग, तो उन दोनों ने मना कर दिया, तो वो 2 बैट्समैन जो हैं उन्होंने बेटा मना कर दिया, ठीक है, कि हम नहीं खेलेंगे। तो देखो अब बॉलर तो पक्का टीम में आ गया, कितने लोगों की टीम में जगह बची है, 10 लोगों की टीम में जगह बची है, लेकिन 2 बैट्समैन कह रहे हम नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने बोला तुम ठीक है तुम जाओ हम नहीं खिलवा रहे तुम्हें, तो कितने लोग बच गए अब, तो हमारे पास अब टोटल 6 बैट्समैन बचे हैं, ठीक है, 6 बॉलर, इनफैक्ट 5 बॉलर बचे हैं, 4 ऑलराउंडर बचे हैं, 2 विकेट कीपर बचे हैं, तो टोटल 11 और 4 15 17, तो 17 में से 10 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, या तो ये पहला केस हो जाएगा, आई थिंक सब बच्चों को क्लियर हो गया, पहला केस आ जाएगा। और दूसरा केस क्या आएगा, दूसरा केस ये आएगा कि बॉलर इज नॉट प्लेइंग, बॉलर ने मना कर दिया, ठीक है यार अब तुम किसी को भी खिला लो लेकिन मैं नहीं खेल रहा हूं, तो वो कह रहे ठीक है सर आप अब हम सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है आप हमें सिलेक्ट कर लो, तो बॉलर प्ले नहीं खेल नहीं रहा है, तो बॉलर नहीं खेल रहा है तो इसका मतलब बॉलर को नहीं लेना है हमें, तो वी हैव नाउ 8 बैट्समैन, वी हैव नाउ 5 बॉलर्स, 4 ऑलराउंडर और 2 विकेट कीपर, तो 13-19, और टीम अभी भी 11 की बनानी है, तो 19C11, तो 17C10 प्लस 19C11 इज द राइट आंसर, सो ए इज द राइट आंसर। अब काफी सारे बच्चे इसके अंदर केसेस बनाएंगे, पता है क्या केसेस बनाएंगे, मैं क्वेश्चन इसलिए लेकर आया था, मुझे पता था कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, वो ये समझेंगे सर बॉलर खेल रहा है बैट्समैन नहीं खेल रहे हैं, ठीक है 17C10, फिर वो बोलेंगे बॉलर तो नहीं खेल रहा है लेकिन बैट्समैन पक्का खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा मैंने नहीं बोला है, मैंने उन्होंने ये बोला है कि 2 पर्टिकुलर बैट्समैन डोंट वांट टू प्ले व्हेन ए पर्टिकुलर बॉलर विल प्ले, इसका मतलब अगर बॉलर खेलेगा तो वो दोनों कह रहे हैं हम आउट ऑफ सिलेक्शन है, ठीक है, तो वो हो गया।
और अगर बॉलर नहीं खेल रहा है तो ऐसा नहीं कि उन दोनों को लेना ही लेना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर बॉलर नहीं खेल रहा है तो वो कह रहा है वी आर अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, तो 19 में से 11 लोगों की टीम बना लो, वो अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, बॉलर को बाहर निकाल दिया। दैट्स वाई 17C10 प्लस 19C11। सबको क्लियर हुआ? प्लीज ये वाले केस मत बनाना कि बॉलर भी नहीं खेल रहा, बैट्समैन भी नहीं खेल रहा, बॉलर नहीं खेल रहा तो बैट्समैन को लेना ही लेना है, ऐसा नहीं बनेगा। उन्होंने बस एक कंडीशन रखी है, अगर वो बॉलर खेलेगा तो हम अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, अगर बॉलर खेल रहा है तो हम अवेलेबल नहीं है, और अगर बॉलर नहीं खेल रहा है तो वी आर अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। फिर 19 में से कोई भी 11 ले लो, जरूरी नहीं वो दोनों बैट्समैन आए आए टीम में, ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है ना। सिर्फ दो ही केस होंगे बस, बिल्कुल वेरी गुड दिव्यांश, दो ही केस होंगे, या तो बॉलर खेलेगा या फिर बॉलर नहीं खेलेगा, दो ही केस होंगे। बॉलर अगर खेलेगा तो वो दोनों बाहर चले जाएंगे, अगर बॉलर नहीं खेलेगा तो सब लोग उन बॉलर को छोड़ के बाकी लोग सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे, दैट्स इट। ठीक है, सबको सुकन्या बेटा समझ में आ गया? हैज एवरीबडी गॉट इट? मैं फटाफट से कमेंट देख लेता हूं, काफी सारे बच्चों ने ए आंसर बोल दिया था, लेकिन जो बच्चे सी बोल रहे हैं या कोई और ऑप्शन बोल रहे हैं, आई थिंक आई हैव क्लियर्ड योर डाउट कि यहां पे बच्चे जो है गलत केस बना लेते हैं, ठीक है ना, गलत केस बना लेते हैं। वो पहले की तरह बना लेते हैं कि यार एक खेल रहा है दूसरा नहीं खेल रहा, दूसरा खेल रहा है पहला नहीं, तो वो ऐसे केसेस बना लेते हैं, जबकि यहां सारी चीज बॉलर पे डिपेंड करती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो बॉलर अगर खेल रहा है, बॉलर इज प्लेइंग, तो टू बैट्समैन आर आउट। लेकिन अगर बॉलर इज नॉट प्लेइंग तो टू बैट्समैन आर टीम में, जरूरी नहीं है वो आए, लेकिन दे आर अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। बस ये सिंपल सी बात थी, तो थिंक अबाउट इट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ बैट्समैन इज नॉट प्लेइंग, बैट्समैन की कोई जरूरी नहीं है, वो बॉलर पे डिपेंड करता है खेलेगा कि नहीं खेलेगा, दैट्स इट। चलिए ठीक है, नबी करम बेटा, नबी अकरम, समझ में आया आपको कैसे करना था? थिंक अबाउट इट, सोचो थोड़ा सा, अगर बॉलर इज प्लेइंग तो टू बैट्समैन आर नॉट प्लेइंग, तो बॉलर को खिला लिया वो तो टीम में आ गया, और दो बैट्समैन को बाहर कर दिया, बचे कितने? 17 लोग, 17 में से 10 की टीम और बनानी, क्योंकि बॉलर तो आ चुका है। अब बॉलर अगर नहीं खेल रहा है तो ठीक है, बॉलर को बाहर निकाल देते हैं, बचे 19 लोग, 19 में से 11 की टीम बना दो। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आ गया आपका अब एक और मजेदार सवाल, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ, सिलेक्शन का क्वेश्चन ही है ये भी, 10 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 30 ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ विच 20 आर डिस्टिंक्ट एंड 10 आर आइडेंटिकल। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्लीज आराम से सोचना। ऐसा एक क्वेश्चन 2019 में आया था, ठीक है सर, आपके लेक्चर रिवाइज करने पर 90% आ सकता है, प्लीज गाइड मी, बिल्कुल आ सकता है रोहित। देखो बेटा सारी मेहनत मैराथन सीरीज में आप लोगों के लिए चल रही है, और 98 नहीं बेटा 99 के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इतना क्वेश्चन बैंक करवा दूंगा, इतने सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा कि आप 100% आप जेई मेन में कोई भी गलती करके नहीं आओगे, आप सही करके आओगे। ठीक है, बस आपको ये सीरीज रेगुलरली देखनी है टिल द एंड ऑफ मे, जब तक एग्जाम नहीं आ जाता। ठीक है, बेस्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स बेटा, यू कैन डू सिंगेज या अरिहंत आप कर सकते हो बेटा बुक के लिए। ठीक है, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव भी कई बच्चे करते हैं, और एक मैकग्रॉ हिल की बुक भी आती है, तो चूज एनी वन आउट ऑफ दीज फोर। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं, आराम से सॉल्व करना। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, एंड जो जहां भी आप गलती करते हो प्लीज उसको एनालाइज करो कि अच्छा मुझसे ये गलती हुई पिछले सवाल में। ठीक है, वो बहुत जरूरी है, एक सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, जब तक वो फील नहीं आएगी नहीं तो। ठीक है, मैं तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार समझाऊंगा ताकि सब बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, पीएनसी में थोड़ा सा करना पड़ता है। ओके, बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, और आंसर्स हैं, पूर्णिमा का है डी, नितिन का है बी, वीबी भट्ट का है बी। सर प्लीज से इनडेफिनेट एंड डेफिनेट, बेटा इनडेफिनेट डेफिनेट मैंने भी 2-3 दिन पहले ही करवाया था, बट आई विल अगेन टेक, मैंने बोला ना मैं हर टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स लूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, ओके, युदीपा नमन ने बोला ए, पूर्णिमा तो डी बोल चुकी है, बंसीधर ने बोला है बी, संजू ने बोला है डी, हर्षित ने बोला है बी, दैदा ने बोला है बी, जानवी बी, रोहित थैंक्स बेटा, अंशिका ए, वेरी गुड, देखते हैं उत्कर्ष बी, सानिध्य बी। ओके, बहुत सारे बच्चों ने जवाब देने स्टार्ट किए हैं, मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूं, इतनी तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं, आई थिंक बच्चों ने सॉल्व कर लिया है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं। ओके, अब देखो कैसे करना है बेटा, जिनको नहीं हो रहा है नबी, देखो जो बच्चे थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हैं, अटक रहे हैं, लिसन टू माय सॉल्यूशन, और देखते हैं कितने बच्चों का ये आंसर ठीक हुआ है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 30 ऑब्जेक्ट्स, आई हैव 30 ऑब्जेक्ट्स, मेरे पास भैया 30 चॉकलेट्स हैं, उसमें से 20 तो हैं डिस्टिंक्ट अलग अलग टाइप की, और 10 है मेरे पास 5 स्टार आइडेंटिकल सारी की सारी। ठीक है,
ओके अब मुझे इनमें से 10 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। 10 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? आई हैव टू सेलेक्ट बेटा 10 ऑब्जेक्ट्स। अब ध्यान से सुनना, बहुत आराम से सॉल्व करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 10 ऑब्जेक्ट, 10 ऑब्जेक्ट लेने हैं भाई। हो सकता है मैं 10 के 10 डिस्टिंक्ट ले लूं, ठीक है, हो सकता है मैं 9 डिस्टिंक्ट और एक आइडेंटिकल ले लूं, हो सकता है मैं 8 डिस्टिंक्ट ले लूं, दो आइडेंटिकल ले लूं, हो सकता है मैं 7 डिस्टिंक्ट और 3 आइडेंटिकल ले लूं, और चलते चलते हो सकता है कि मैं 0 डिस्टिंक्ट यानी कि 10 की 10 आइडेंटिकल ले लूं, ऐसा हो सकता है। अगर मुझे 10 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, मुझे नहीं पता मेरे पास 20 अलग अलग टाइप की चॉकलेट हैं और 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं, मुझे नहीं पता मुझे 10 लेनी है, तो आई हैव टू मेक केसेस कि या तो 10 की 10 डिस्टिंक्ट होंगी या 9 डिस्टिंक्ट एक आइडेंटिकल होगी या 8 डिस्टिंक्ट दो आइडेंटिकल होंगी, ऐसे चलता रहेगा। चलो 10 डिस्टिंक्ट कितने वे में सेलेक्ट करोगे, 10 डिस्टिंक्ट कितने वे में सेलेक्ट करोगे, तो 10 डिस्टिंक्ट के लिए 20 में से 10 लेनी है तो 20C10 प्लस 9 डिस्टिंक्ट के लिए 20C9। अच्छा, आइडेंटिकल को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है बेटा, आइडेंटिकल को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है, ठीक है, तो एक सिलेक्ट करो, दो आइडेंटिकल सिलेक्ट करो, तीन आइडेंटिकल सिलेक्ट करो, इट इज ओनली वन वे। तो 20C9 प्लस 20C8 और करते करते लास्ट में एक भी रेसिंग लेनी 20C0। इन सब का वन वन वे है, आइडेंटिकल्स को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है। डिस्टिंक्ट का आपको पता है एन में से आर चूज करना है, एनसीआर होता है। कौन बताएगा मुझे इसका आंसर बेटा, क्या आएगा इस सीरीज का आंसर 20C0, 20C1 से लेकर 20C10 का मुझे आंसर बताना है। कौन बच्चा मुझे बताएगा, लेट्स सी, देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर बोला है। बहुत सारे बच्चे डी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए भी बोल रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। सो लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब मैं अगले पेज पे इसको बेटा सॉल्व करने जा रहा हूं, लेट्स सी। तो एक फॉर्मूला होता है 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 और करते करते 20C20, इसका आंसर होता है, सबको पता है 2 की पावर 20, सम ऑफ कोफिशियंट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर 20। अब ध्यान से देखना मेरी चीज, बहुत ध्यान से देखना, 20C0 20C1 करते करते 20C9 प्लस 20C10 प्लस 20C11 और करते करते 20C20, मैंने ऐसे थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख लिया, तो 2 की पावर 20। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक मुझे लगता है सेम है, देख लो, क्योंकि 20C11 को आप 20C9 लिख सकते हो, 20C12 को 20C8 से लिख सकते हो और 20C20 को 20C0 लिख सकते हो, यानी ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स 20C0 20C1 टिल 20C9 का जो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 20, और ये एक नंबर रह गया, इसको राइट साइड में ले जाता हूं 20C10, और इस 2 को मैं नीचे ले जाता हूं तो बाय 2 हो जाएगा। लेकिन मुझे सम बेटा चाहिए था किसका, 20C0 से लेके 20C9 का, तो आ गया दोनों तरफ 20C10 में ऐड करने जा रहा हूं, तो दोनों तरफ मैं 20C10 जो है वो ऐड करने जा रहा हूं, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 20 प्लस 20C10 बाय 2। समझ में आया बेटा सबको, हैज एवरीबडी गॉट इट? क्या किया, बहुत सारे बच्चे मुझे पता है 2 की पावर 19 लिख रहे हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, 2 की पावर 19 तब आता अगर आपका ये आधे आधे में टूट जाता। बेटा ध्यान से देखो, 0 से लेकर 20 तक 21 टर्म्स हैं, तो 21 टर्म्स को आप हाफ हाफ में नहीं तोड़ सकते, आप पहले 10 ले लो, आखिरी के 10 ले लो, देखो पहले 10 ये वाले, देखो पहले 10 और ये आखिरी 10, इन दोनों, ये दोनों बराबर है, लेकिन मिडिल टर्म तो रह जाएगी ना 20C10, उसको राइट साइड ले लो, तो 20C0 से 20C9 तक का सम तो आ गया, फिर मैंने दोनों तरफ 20C10 को भी ऐड किया, इसलिए 20C10 आपके आंसर में आएगा। तो बिल्कुल भी गलती मत करना कि अगर सबका सम आपका 2 की पावर 20 आ रहा है तो शुरू के 10 टर्म का सम 2 की पावर 19 आएगा, जबकि टोटल टर्म 21 है, तो 21 को आप हाफ ऑफ में डिवाइड नहीं कर सकते, ये जल्दबाजी में बच्चे गलती कर जाते हैं। ठीक है, कितने बच्चों का ठीक हुआ और कितने बच्चों ने ये गलती करी 2 की पावर 19 वाला, मुझे बताओ एक बार बेटा। ठीक है, कितने बच्चों ने गलती करी और सबको समझ में आ गया क्या किया मैंने? ध्यान से देखो इसको, ध्यान से चित्र देखो जो मैंने यहां पे सामने प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है। पहली सीरीज क्या है, 0 से लेके 20 तक 2 की पावर 20 होता है, सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने 11 से लेके 20 वालों को एनसीआर को एनसीएन माइनस आर लिखा ताकि वो 20C9 20C8 दोबारा बन जाए, तो पहले 10 टर्म और आखिरी 10 टर्म सेम आ गए, 2 टाइम्स हो गया, और बीच का एक टर्म बचा 20C10, उसको राइट साइड में लेके गया।
ठीक है, तो 20C0 से 20C9 तक का सम आ गया, बचा किसका, 20C10 और जोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ, आंसर आएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें काफी सारे बच्चे गलती करेंगे, तो आपको अभी सीखने के बाद गलती नहीं करनी है, ठीक है। हैज एवरीबडी गॉट इट बेटा, सबको क्लियर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। एंड द करेक्ट आंसर, जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो देख लेते हैं क्या आएगा, वो आएगा बी। काफी बच्चों ने बी बोला था, लेकिन कुछ बच्चे डी भी बोल रहे थे, डी फॉर डेयरी मिल्क, तो डी फॉर डेयरी मिल्क इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड, देखते हैं कितने बच्चे ने सही किया है और कितने बच्चों ने कुछ गलत बोला है। 20C10 उमेश बोल रहा है, सर ऐड क्यों किया है, 20C10 बेटा इसलिए ऐड करा है मैंने, बेटा देखो ध्यान से, देखो देखो 20C0 से 20C9, जल्द ध्यान से देखना, और ये भी 20C0 से 20C9, तो 2 टाइम्स 20C0 से 20C9, तो 20C0 से 20C9 का फॉर्मूला मेरे पास आ चुका है, लेकिन मुझे किसका सम चाहिए था, 20C0 से 20C10 का, तो मुझे दोनों तरफ 20C10 तो ऐड करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे 0 से लेकर 10 तक चाहिए, ठीक है। सबको क्लियर हो गया, अब ये मिस्टेक रिपीट नहीं करूंगा, दिव्यांश ने बोला है, वेरी गुड। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने गलती की है, तो प्लीज ये गलती मत करना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जिसमें ना, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको जिसमें आधा आधा हो जाता है, मैं बताता हूं आपको जिसमें आधा आधा हो जाता है। देखो एक क्वेश्चन था 20C0 21C1 और करते करते ये आ जाएगा 21C10, तो 21C11 को भी 21C10 लिख देना आप, और करते करते 21C इसको 0, तो इसमें जब 2 की पावर 21 होता है तो आधा इसमें आंसर और इसका आधा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर बेटा 22 टर्म्स हैं टोटल, ठीक है ना, इसमें 2 की पावर 20 आधा हो जाता है, तो ये प्लीज ध्यान रखना, ठीक है ना। वो 21 वाले में हो जाएगा आधा आधा, क्योंकि इसमें 22 टर्म है, तो 11 11 में टूट जाएगा, लेकिन इसमें 21 टर्म थी तो आधा आधा नहीं होगा, बीच की एक टर्म बच जाएगी, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओहो अब ये कुछ खतरनाक सा सवाल आ गया, इस बार जेई मेन वालों ने फैक्टर का कोई सवाल नहीं दिया, एंड आई एम एज्यूमिंग कि बच्चों को इतना टाइम मिल रहा है, तो एनटीए वाले इस बार फैक्टर्स का क्वेश्चन देने वाले हैं, तो संभल जाओ सब बच्चे, और आज इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इसे सॉल्व करो। 720 के कितने फैक्टर्स होंगे जो 4n+2 टाइप के होंगे, यानी कि 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देंगे, ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे, चाहो तो आप काउंट कर सकते हो, बट वो बहुत टाइम ले लेगा, तो थिंक अबाउट इट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। 21C11 को 21C10 कैसे लिखा सुकन्या बेटा, एनसीआर की वैल्यू NCn-r के बराबर होती है, तो 20C11 को 20C10 लिख दो, 21C12 को 21C, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है ना, एनसीआर इज इक्वल टू NCn-r, ठीक है। चलो थैंक यू रोहित बेटा, थैंक यू सो मच, जल्दी से आओ फटाफट सब लोग, और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सर आपका पुराना वीडियो अब देख सकता हूं, ग्रेड अप वाले, बिल्कुल बेटा आप हमेशा देख सकते हो पुराने वीडियोस, ठीक है, उसमें आपको हर बार अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, शायद ही कोई एक दो क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा। आई ट्राई इन ईच एंड एवरी सेशन कि आपको मैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स करवाऊं, इफ यू रियली वॉन्ट द क्वेश्चन बैंक तो पुराने वीडियोज भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको बताने हैं 720 के, सबसे पहले 720 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, बस मैं प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूं, आप बाकी सॉल्व करो। 720 आ जाएगा मुझे लगता है 16 से हो जाएगा शायद, है ना, ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 16 से करोगे तो 16 4 और मुझे लगता है कितना आएगा 45 शायद ही आ जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 5, है ना, 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 9 720। आपको बताना है इसके टोटल फैक्टर्स, आप देख सकते हो, सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने पहले सेशन में भी बताया है, पर जिनको प्लीज नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूं, मैं आंसर अभी बिल्कुल सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं बच्चों को टाइम दे रहा हूं करने का, ठीक है। टोटल फैक्टर्स देख लेते हैं कितना आएंगे, टोटल फैक्टर होता है पावर प्लस वन कर दो, 4 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो टोटल फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू 3 इंटू 2, टोटल फैक्टर तो मुझे पता चल गया कितने आ रहे हैं इसके, 30 आ रहे हैं, सो 30 इसके टोटल फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको बताने हैं वो फैक्टर इन 30 में से जो 4n+2 टाइप के होंगे। देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं, काफी सारे बच्चों ने जवाब देना स्टार्ट किया है, वेरी नाइस बेटा, ठीक है। देखते हैं, अभिषेक ने 9 बोला, पार्थ ने, गुंती ने 6 बोला, नरेंद्र ने 6 बोला, बंसीधर ने 7 बोला है, अभिषेक और गुंती 6 9, रोहित
रोहित बेटा मिल जाएगा आपको पीडीएफ। अपर्णा ने 6 बोला है, ओके, वेनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग द आंसर्स। अंशिका ने 30 बोला है, नरेंद्र 30। अंशिका बेटा ये पूरे, ये टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे, 30 जो है वो टोटल फैक्टर्स है, मैंने वो पूछे हैं, वो फैक्टर जो 4n+2 के होंगे। चलो मैं आपको सिखाता हूं, काफी बच्चे 6 बोल रहे हैं और काफी बच्चे अब मेरे को दिख रहे हैं 7 भी बोल रहे हैं आंसर अब, ठीक है, ओके, वेरी नाइस। चलो मेरे बात का जवाब देना, 30 तो है, इवन फैक्टर कितने होंगे कौन बताएगा, देखते हैं। चलो इवन फैक्टर्स कितने होंगे, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इवन फैक्टर्स कितने होंगे। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड। देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चे क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, लेट्स सी इवन फैक्टर्स कितने होंगे इसके अंदर, जल्दी से बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। ठीक है, आंसर तो मैंने सुन लिया, मैनी स्टूडेंट्स आर सेइंग 6 एंड मैनी आर सेइंग 7। अब मुझे बताओ इवन वाले कितने हैं, इवन वाले बच्चे बोल रहे हैं कि सर 24 हैं। ठीक है, देखो इवन वाले कैसे निकलेंगे, हमें एक ना एक टू तो चाहिए ही होगा, तो ये 4 का 4 ही रह जाएगा और ये हो जाएगा 2+1 और ये हो जाएगा 1+1, तो 4 × 3 × 2, वेरी राइट, 24 हो जाते हैं इवन फैक्टर्स, 24 हो जाएंगे इवन फैक्टर्स। क्या ये सबको क्लियर हुआ 24 कैसे हुए? ठीक है देखो मैं समझाता हूं कैसे हुए। आप ऐसे मान के चलो 2 की पावर 4 है, तो 2 स्टार चॉकलेट है, तो 2 स्टार मेरे पास 4 चॉकलेट है, 4 चॉकलेट है, 3 स्टार चॉकलेट है इसके अंदर, ये 2 ही है मेरे पास और ये 5 स्टार चॉकलेट, स्टार मान के चल रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं सिर्फ, है ना, 5 स्टार चॉकलेट एक है। अब क्योंकि मुझे इवन फैक्टर चाहिए तो आई हैव टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, कम से कम आपको एक चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है एन वेज, तो 4 वेज, और 3 स्टार चॉकलेट आपको कितनी भी चलेंगी तो टोटल 3 वेज, n+1 वेज, और 5 स्टार भी कितनी चलेंगी तो टोटल 24 आ गए इवन फैक्टर्स। अब जब भी आपको बेटा 4n+2 टाइप का निकालना होगा, मैं बताता हूं क्या करने वाले हो, इवन फैक्टर्स 2 तरीके के होते हैं, इवन फैक्टर्स 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं मल्टीपल्स ऑफ 4, एक होते हैं जो 4 के मल्टीपल होते हैं और एक होते हैं जो 4 के मल्टीपल नहीं होते। जैसे 4 के मल्टीपल मतलब इवन नंबर 4, 8, 12, 16, ये 4 के मल्टीपल हैं, और 2, 6, 10, 14 ये 4n+2 टाइप के हैं। तो इवन नंबर को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं, एक जो 4 के मल्टीपल्स हैं और एक जो 4 के मल्टीपल्स नहीं है, जो 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देते हैं। ध्यान रखना इवन नंबर हमेशा 2 तरीके के होते हैं, एक 4n और एक 4n+2। ठीक है, अब देखो अगर मुझे 4n+2 वाले फैक्टर्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं टोटल इवन फैक्टर्स में से 4 के मल्टीपल्स वाले हटा दूंगा, तो मेरे पास इवन वाले जो है वो 24 हैं। 4 के मल्टीपल्स का मतलब है मुझे कम से कम 2 स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए, मुझे एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, टू एटलीस्ट 2 2 स्टार चाहिए मुझे, एटलीस्ट 2 का फॉर्मूला होता है n-1 वेज, तो 3 × 3 × 2, तो इसका आंसर होगा 24 - 18 विच इज 6। तो यस 6 इज द राइट आंसर, 6 एकदम बेटा सही आंसर है। कितने बच्चों का ठीक हुआ, मैंने देखा था बहुत सारे बच्चों ने 6 लिखा था, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। अगर आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो थम्स अप, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा 6 आंसर, कैसे आया 6, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 1 सेकंड के लिए मैं दोबारा फटाफट से रिपीट कर देता हूं। देखो टोटल फैक्टर का फॉर्मूला होता है 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 1 का फॉर्मूला होता है 4+1, 2+1, 1+1, ये कैसे आया? अगर मेरे पास 4 2 स्टार चॉकलेट्स हैं, मतलब 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं 3 और 5 एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है n+1 n+1 n+1, वही होते हैं टोटल फैक्टर्स। इवन फैक्टर का मतलब है मुझे कम से कम एक टू तो चाहिए, तभी तो इवन आएगा, तो कम से कम एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट का आंसर होता है फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होता है एन, वो होता है एन, तो उसका एन लगा लिया हमने और यहां पे n+1 n+1, तो 24 इवन फैक्टर्स हो गए। उसमें से वो माइनस कर दो जो 4 के मल्टीपल्स हैं, जो 4 के मल्टीपल्स हैं उन्हें माइनस कर दो। 4 के मल्टीपल से मेरा मतलब है कि आपको 2 स्क्वायर यानी कम से कम 2 2s चाहिए, तो आपके पास 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, एटलीस्ट 2 सेलेक्ट करना है, आंसर होता है n-1, तो इसलिए 3 × 3 × 2, इसके 3 वेज हो जाएंगे n-1, इसके n+1, इसके n+1, तो टोटल आंसर हो जाएगा 6, तो 6 इज द राइट आंसर बेटा। बंसीधर देखो आपको ना ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, इफ यू हैव, अगर आपके पास बेटा एक इसके पास एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो नंबर ऑफ वेज
ऑफ सेलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये हो जाता है एन प्लस वन, ठीक है, एटलीस्ट वन, अगर आपको कम से कम एक चाहिए तो एन, और एटलीस्ट टू, ऐसे चलता रहेगा, वो हो जाएगा एन माइनस वन, ये हो जाएगा एन माइनस वन। कैसे? एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब या तो एक भी सिलेक्ट मत करो, या एक करो, या दो करो, या तीन करो, करते करते, या फिर एन के एन कर लो तो एन प्लस वन आ जाएगा। अगर एटलीस्ट वन चाहिए तो एक वन हटा दो तो एन रह जाएगा। तो अगर आपके पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको कम से कम एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो एन वेज, कम से कम दो चाहिए तो एन माइनस वन वेज। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो फॉर्मूला होता है वो भी उसी तरीके से आता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? हैज एवरीबडी गॉट इट? इस क्वेश्चन को सब बच्चे समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ओके, अब आ गया है रैंक ऑफ द लेटर का आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ लेटर्स ऑफ द वर्ड, ये काफी सारे बार क्वेश्चन आपके जेई में पूछे गए हैं। इफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया आर अरेंज्ड इन ए डिक्शनरी, लेट द रैंक ऑफ द वर्ड इंडिया बी के। तो के हो गया इंडिया का डिक्शनरी में आपका जो वो पोजीशन होगी। इफ नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ एन साइड्स आर के प्लस नाइन, आपको एन बताना है बेटा। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। तो मैंने इसमें दो चीजें आपसे पूछ ली हैं, एक तो रैंक ऑफ ए वर्ड पूछ लिया है और एक मैंने नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया है। दो चीजें इसके अंदर हम कवर करेंगे। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे इसको बता पाते हैं। फैक्टर्स वाला सवाल एक बार खुद से सोचना कि जब आपके पास जो फैक्टर्स का मतलब होता है, यू हैव सम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, टू की कुछ पार है, थ्री की कुछ पार है, फोर फाइव की कुछ पार है, तो यू हैव सम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास तो उसमें से कितने भी उठाने हो तो एन प्लस वन होता है। एक उठाना हो, दो उठाना हो, तीन उठाना हो, एटलीस्ट वन उठाना है तो उसके एन वेज होते हैं, और अगर आप एटलीस्ट टू अगर आपको लेने हैं तो एन माइनस वन वेज होते हैं। बस यही है। अगर टू का मल्टीपल चाहिए तो कम से कम एक टू उठाना पड़ेगा, अगर फोर का मल्टीपल चाहिए तो कम से कम दो टूज उठाने पड़ेंगे। बस वही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं बेटा। ठीक है, चलिए, माइनर मिस्टेक हो गई बंसीधर की, कोई बात नहीं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आई थिंक सब बच्चों का फेवरेट होगा। और इंडिया की रैंक बता दो जल्दी से, क्या आएगी डिक्शनरी में अगर आप करना चाहोगे? और के प्लस नाइन की वैल्यू नंबर ऑफ डायगोनल्स के बराबर है। देखते हैं एन की क्या वैल्यू बच्चे निकालते हैं, जल्दी से बताओ फटाफट से। सर जनवरी में 75 आया था, सर मेरा 98% आ सकता है प्लीज गाइड? बिल्कुल रोहित आ सकता है, वाई नॉट, क्यों नहीं आ सकता। बस क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करते जाओ, देखते हैं। चलो बताओ सबसे पहले तो के निकाल दो मेरे लिए कि क्या आ रहा है इंडिया की रैंक, ये बता दो मुझे, मेरे मुझे बता दो कि क्या आएगा इंडिया की रैंक, कितनी आएगी ये बता दो फटाफट से। काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 46 आएगी रैंक। ठीक है, देखते हैं। जिन बच्चों का थोड़ा भी लैग कर रहा है ना बेटा, प्लीज उसको आप रिफ्रेश कर लो एक बार, है ना, तो लैगिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, मैं तब तक कमेंट्स पढ़ लेता हूं बच्चों के, आराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आगे, और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज करवाऊंगा। 46 रैंक आ रही है, वेरी गुड। तो इंडिया की रैंक आ रही है 46, INDIA। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, काफी बार बच्चों ने किया होगा इस टाइप की प्रॉब्लम्स। लेट्स सी, तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे? तो ए से अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो INDI को अरेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल से, यानी कि 12 वेज, तो 12 अल्फाबेट्स लेटर्स बनेंगे जो ए से स्टार्ट होंगे। फिर मैं करने वाला हूं ए के बाद अल्फाबेटिकली डी आता है, देखते हैं 46 सही है कि नहीं है, फिर आंसर भी लूंगा मैं आपसे, आंसर भी बताना बेटा इसके बाद, आंसर भी बताना। ठीक है, बताओ डी का क्या आएगा? डी से कितने स्टार्ट हो जाएंगे? डी से होगा INIA, तो INIA भी 12 वेज में अरेंज हो जाएगा, यानी डी से 12 लेटर्स बनेंगे। फिर आता है आई से, आई से तो बेटा ADI, आई से तो इंडिया भी बनता है, तो आई ए से कितने बनेंगे? तो आई और ए से कितने बनेंगे? INDI को अरेंज करना है 6 वेज में, ठीक है, वेरी गुड। आई डी से कितने बनेंगे? आई डी से भी 6 बनेंगे, वेरी गुड, आई डी से भी 6 बन गए। आई आई से कितने बनेंगे? आई आई से एनडीए बचेगा, इससे भी 6 बनेंगे। अब क्या बच गया आपका? अब बचता है आई एन, तो आई एन ए से कितने बचे बनेंगे? 2 बनेंगे, और आई एन डी के बाद एक आएगा ए आई इंडियाई और एक आएगा इंडिया। ठीक है, यानी कि 12 12 24 30 36 42 44 45 46, वेरी गुड, 46 इज द राइट आंसर। 46 आ गया है के की वैल्यू। अब हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला, मुझे पता है सबको आता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला, ठीक है ना, तो
तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ, व्हाट आर नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स का। ये सबको इंडिया तो समझ में आ गया ना सबको, ए से स्टार्ट करोगे 12 लेटर्स, डी से 12, आई से तो इंडिया भी होता है, तो आई ए आगे चलते, आई ए से 6, आई डी से 6, आई आई से भी 6। अब आई एन से तो इंडिया भी होता है, तो आई एन ए अल्फाबेटिकली चल रहे हैं, आई एन ए से 2 और आई एन डी से भी 2 बनेंगे, इंडिया आखिरी वाला होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है, वेरी गुड, एन सी टू माइनस एन, और ये आपको बोला गया है 46 प्लस 9 विच इज 54, और एन सी टू का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 माइनस एन इज इक्वल टू 54। तो एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी मुझे, एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 108, ये 12 और 9 में टूट जाएगा, माइनस 12n प्लस 3n माइनस 108, तो यहां से आंसर आएगा n माइनस 12 और n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यस द करेक्ट आंसर इज 12। कितने बच्चों का आंसर 12 आ गया जल्दी बताओ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट 12, बताओ बेटा कितने बच्चों का 12 आ गया आंसर। 46 सबने सही लिखा, प्रांजुल ने, ठीक है, सब बच्चों ने, अमन, भगत बेटा 55 गलत लिखा आपने, कमलेश, ठीक है, संजू, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन अगर ये फॉर्मूले याद हैं, रैंक ऑफ ए वर्ड कैसे निकालते हैं समझ में आ गया, रिवाइज हो गया, और नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है, नो लैगिंग फ्रॉम योर साइड, नहीं बेटा प्रांजुल, मेरी तरफ से हो सकती है थोड़ी सी लैगिंग, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, ओके वेरी गुड, 12 आया सबका आंसर, 12 आ गया, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, एनी डाउट्स बेटा, ठीक है, सबको समझ में आ गया, इंडिया को कैसे अरेंज किया हमने, 46 आ गया, 46 में 54, फिर हमने NC2 माइनस n फॉर्मूला याद रखा, नंबर ऑफ डायगोनल्स का, क्वाड्रेटिक सॉल्व करी, 2 आंसर आए, n नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ साइड्स हमेशा पॉजिटिव होंगी, तो n इज इक्वल टू 12 इज द राइट आंसर, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा बेटा। हर्षित समझ में आ गया बेटा, के प्लस 9 क्यों लिखे थे, आरती बेटा इसमें आपको दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन आर के प्लस 9, तो के 46 है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है के प्लस 9 54, तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी। ओके चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, और अगली प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। अब ये क्वेश्चन ऐसा आया है जो काफी सारे बच्चे थर थर कांपते हैं कि यार नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ये फंक्शन का क्वेश्चन है लेकिन ये होता पीएनसी की हेल्प से है। अब देखते हैं कितने बच्चे आज इस फियर को ओवरकम करते हैं कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस या नंबर ऑफ इन टू फंक्शन का जब सवाल आता है, और जेई में इस साल तो नहीं आया पर 2019 में आते हैं ऐसे, और आपको पता है ये आपने प्रीवियस ईयर किए होंगे तो नंबर ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चन आते हैं, तो आज मैं वही टारगेट वही एरियाज हिट कर रहा हूं जहां पे बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो काइंडली सॉल्व इट, इसको प्लीज सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आएगा, देन आई विल एक्सप्लेन इट आराम से कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जहां पे ए में 6 एलिमेंट है, वही डोमेन से कोडोमेन, और बी में 4 एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट 4 एलिमेंट, बताओ कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे। ऑन टू का मतलब होता है कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ठीक है। चलिए आदर्श बोल रहा है सर 55 होगा, आपने गलत किया है, अच्छा ओके ओके सॉरी, अच्छा 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 ठीक है सॉरी सॉरी, तो सॉरी इसको चेंज कर लो फिर, के प्लस 8 कर लो, माई मिस्टेक, के प्लस 8 कर लो बेटा, कैलकुलेशन में जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो हो सकता है मैंने उस चीज में गलती कर दी हो, के प्लस 8 कर लो, माई मिस्टेक, मैंने 46 प्लस 9 कैलकुलेट करके 54 कर दिया, ठीक है, समय समझ में आ गया मैं क्या, आप क्या कहना चाह रहा हूं, 55 में फिर आंसर नहीं आएगा, 55 में एन फिर इरेशनल आ जाएगा, ठीक है बेटा, या आ जाएगा, मैं जो बता दो कि आ तो नहीं रहा 55 में भी आंसर कहीं, ठीक है, मुझे नहीं लगता आ जाएगा शायद, एक बार देख लो 11 आंसर करके देखें, 11 इंटू 10 बाई 2 55 माइनस 11, नहीं नहीं ठीक है, n प्लस 8 कर लो बेटा इसके अंदर, ठीक है। चलिए ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, आ जाते हैं, वो थोड़ा सा लैग रहता है इसलिए मैंने थोड़ा बाद में पढ़ा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। बच्चे ने लिख लिख कर, अच्छा 40 55 55 55, ठीक है बेटा, ठीक है 55 मुझे समझ में आ गया, ठीक है माई मिस्टेक, के प्लस 9 की जगह के प्लस 8 होना चाहिए था वो, ठीक है हर्षित, अब बेटा समझ में आ गया, मैंने उस टाइम ध्यान ही दिया, जब मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो उस टाइम पे जल्दी जल्दी में के प्लस हो सकता है मैंने 54 काउंट कर लिया, जबकि के प्लस 8 होना चाहिए था, ठीक है चलो कोई बात नहीं, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर बोनस हो जाएगा, ठीक है ओके।
चलो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का क्वेश्चन करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अभी मैं देखता हूं, पहले किसी का आंसर अभी तक आया नहीं है। धनवत का आंसर आया ए, ठीक है धनवत, देखते हैं बेटा। लेकिन मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं कि ए के अंदर छह एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, और बी के अंदर है चार एलिमेंट, 1 2 3 4। आपको बताना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कैसे करते हैं। कितने बच्चों को यह पता है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन? कितने बच्चों को मालूम है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैसे निकालते हैं? और हिंट मैं आपको देता हूं, ये होता है ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से। इसका फॉर्मूला भी है बट फॉर्मूला बहुत लेंथी चला जाता है, ठीक है। तो वी हैव अ मेथड बाय ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड से ये सॉल्व होता है। टोटल माइनस इनटू, लेकिन बेटा इनटू निकालने के लिए हम टोटल माइनस ऑन टू करते हैं अर्पना, ठीक है। अगर मुझे इनटू बोला होता तो मैं टोटल माइनस ऑन टू करता, तो ऑन टू के टोटल माइनस इनटू नहीं करोगे, फिर इनटू निकालना पड़ेगा। तो ऑन टू निकालना ज्यादा आसान है, इनटू तो फिर टोटल माइनस ऑन टू करके निकल जाएगा, ठीक है। बी लॉक कर दो, राहुल ने बोला है। चलो देखते हैं और बच्चे, देखते हैं कितने जवाब दे रहे हैं। अंशिका ने बोला है ए, ठीक है अंशिका, देखते हैं बेटा। रजत ए, बंसीधर ने बोला 1560 यानी कि बी, हर्षित ने बोला ए, युदीपा नमन बी, सुकन्या ने ए बोला, अंशिका ए, गुंती ए, रोहित बी, राम साय भारद्वाज ने कुछ शायद चाइनीज, साहू मतलब सी ही बोला होगा, सौरभ ने बोला बी, ए तनु ने ए बोला, दिव्याश ज्योति ने बी, तुषार बी, काफी सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, ठीक है देखते हैं। ए बोल रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स आर फ्लक्चुएटिंग बिटवीन ए एंड बी। अब देखो ध्यान से देखना, अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। देखो मान के चलो इसके अंदर छह ऑब्जेक्ट हैं, इसके अंदर चार ऑब्जेक्ट हैं। अब मुझे ऑन टू फंक्शन बनाने हैं फ्रॉम ए टू बी। ऐसे मान के चलो कि मेरे पास छह डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं या चॉकलेट्स हैं मान के चलो, और मुझे चार बच्चों में बांटनी है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू फोर चिल्ड्रन। ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, अगर मेरे पास छह डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स हैं, आई हैव सिक्स डिफरेंट डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स, C1, C2, ये C1, C2 मान लो, C1, C2, C3, C4, आराम से समझना, ठीक है आराम से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। छह चॉकलेट हैं और मेरे पास चार चिल्ड्रन हैं, मान लो S1, ये हो गया S1, S2, S3, S4। क्या इसका मतलब यही तो हुआ कि छह डिस्टिंक्ट चॉकलेट चार बच्चों में बांटनी है और कंडीशन ये है कि सबको एटलीस्ट एक मिले। ईच स्टूडेंट, ईच चिल्ड्रन गेट्स एटलीस्ट वन चॉकलेट, एटलीस्ट वन चॉकलेट। क्योंकि ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि कोई ना कोई मैपिंग जो है वो छूटनी नहीं चाहिए, मैपिंग चलती रहनी चाहिए। ऑन टू का मतलब होता है को डोमेन इज इक्वल टू रेंज, यानी कि अगर मेरे पास उधर छह चॉकलेट हैं, इधर बेचारे चार नन्हे मुन्ने बच्चे खड़े हैं, तो मुझे छह चॉकलेट चार बच्चों में बांटनी है और हर बच्चे को कम से कम एक एक मिले, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं होती कि सबको कितनी भी मिले, तो फिर आंसर होता आपका हर चॉकलेट के पास चार चार चॉइस होती, फिर होता 4 की पावर 6 आंसर, 4 की पावर 6 होता फिर आंसर बेटा। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अगर ये बोलता कि टोटल फंक्शन कितने बनेंगे ए टू बी में, तो मैं बोलता 4 की पावर 6। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे, टोटल फंक्शन 4 की पावर 6, क्योंकि 6 चॉकलेट चार बच्चों में बांटनी है, चॉकलेट के पास चॉइस है किसके हाथ में जाना चाहती है। तो पहली चॉकलेट के पास चार तरीके हैं, दूसरी के पास चार, सबके पास चार चार तरीके हैं 4 की पावर 6। लेकिन अभी ये कंडीशन नहीं, अभी ये है ऑन टू बनाना है, यानी हर हर बच्चे को कम से कम एक एक चॉकलेट मिलनी चाहिए। अब देखो कैसे मिलेगी, ध्यान से सुनना, या तो तीन बच्चों को 1-1 मिले और एक को 3 मिले, या तो 1-1-1 मिले और एक को 3 मिले, या फिर 1-1 मिले और दो को 2-2 मिले, बस इसके अलावा तो कोई केस हो नहीं सकता। मुझे 6 चॉकलेट चार बच्चों में बांटनी है कि सबको एक एक मिले, तो केसेस बनाते हैं हम लोग कि कितनी कितनी मिले। तो पहले को 1 फिर 1 फिर 1 और एक को 3, या तो 1-1-3 बांट देते हैं या फिर 1-1-2-2 बांट देते हैं, और कोई केस तो नहीं है 6 चॉकलेट चार बच्चों को बांटने का कि सबको एक एक मिले। दीज आर द ओनली टू केसेस, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। बस अब इसमें बेटा ग्रुपिंग करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ग्रुपिंग करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो इसकी ग्रुपिंग करने का जो तरीका है मैं बता देता हूं, इसको मिटा देते हैं एक बार। तो मुझे 6 लोगों को चार ग्रुप में बांटना है, 1-1-1-3 ईच, 6 factorial by 1 factorial 1 factorial 1 factorial 3 factorial, और जाके डिस्ट्रीब्यूट भी करना है 1-1-1-3। कितने वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1-1-1-3 या 1-1-3-1, यानी मुझे वो चॉकलेट देनी है तो 4 factorial by 3
थ्री फैक्टोरियल बेस में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे हो सकता है, एक बच्चे को वन मिले पहले वाले को, फिर वन वन थ्री, या वन वन थ्री वन, या थ्री वन वन वन, इस तरह से फोर बेस हो जाएगा। ऐसे इसको करते हैं। इसकी ग्रुपिंग कितने वे में होगी, छह चीजें हैं मेरे पास, चार बच्चों में बांटनी है, वन वन टू टू में ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने के तरीके होते हैं सिक्स फैक्टोरियल बाय वन फैक्टर, ऐसा क्वेश्चन आपके जेई मेन में इस साल आया था, ठीक है, टू फैक्टोरियल इंटू, और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना, वन वन टू टू कितने वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अरेंज होगा, फोर फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं, 720 बाय 6, 120 इंटू 4, दिस इज 480, और ये हो जाएगा 720 बाय 4, 180, 180 इंटू 1080, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1560। अब मैं आपके डाउट लेता हूं, चिंता मत करना, मैं डाउट्स लूंगा आपके, 1560। कितने बच्चों का ये आंसर आया, 1560। अगर आपको इंटू फंक्शन निकालने थे तो टोटल में से ऑन टू माइनस कर देते तो इंटू आ जाएंगे, ठीक है। फंक्शन का हर क्वेश्चन अब है आपको बेटा ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन से ही करना है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, अगर आपके पास छह ऑब्जेक्ट हैं, चार बच्चे हैं, किसी को कितना भी मिले, यानी टोटल फंक्शंस, तो हर चॉकलेट के पास चार चार तरीके हो गए जाने के, किसकी झोली में जाना चाहती है, तो 4 की पावर 6, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूं कि हर चाइल्ड को एक एक तो मिले, तो फिर आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, केसेस बनाने पड़ेंगे कि किसको कितनी कितनी मिले यार, कितनी कितनी दूं, तो ग्रुप करते हैं। तो छह चीजों को चार ग्रुप में बांट देते हैं, पहला केस होगा 1113, दूसरा होगा 1122। बस ग्रुपिंग करने का तरीका आपको पता है, टोटल फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, वन थ्री फैक्टोरियल, ये ग्रुपिंग का तरीका होता है। और जब ग्रुपिंग हो गई, डब्बे पैक हो गए, तो बाहर जाके उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है कि भाई चलो तुझे वन मिलेगा, फिर वन वन थ्री, अच्छा तुझे वन वन, इसको थ्री, इसको वन, या थ्री वन वन वन, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो टोटल वेज ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं। तो जब भी आपके पास कुछ आइडेंटिटी, सॉरी कुछ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कुछ बच्चों में बांटने हैं कि सबको एक एक मिले, रिस्ट्रिक्शन है, तो केसेस बना लो और ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगा के ऐड कर दो। ये तरीका होता है बेटा, ठीक है। अगर मैं बोलता सबको दो दो मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबको दो दो मिलेंगे तो छह चॉकलेट आठ हो जाएंगी, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता केस। तो ये तरीका होता है ऑन टू फंक्शन निकालने का। अगर इनटू चाहिए होता तो इनटू में आपको क्या करना है, आपको टोटल 4 की पावर 6 में से ऑन टू को माइनस करना है। ये देख लो, चार जो जितना भी आएगा आंसर ये आ जाएगा। अब मैं बच्चों के डाउट्स ले लेता हूं, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए बेटा, ठीक है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है ये, एक तरीके से ये ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, बस फंक्शन में तो नाम में पूछ लेते हैं वो लोग, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। फॉर्मुला है, बट फॉर्मुला याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इट्स टू लेंथी टू सॉल्व ए फॉर्मुला, ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। काफी बच्चों ने आंसर बी दिया था, मैं देख रहा हूं, ठीक है, काफी सारे बच्चे, ठीक है, मैंने आई थिंक रिपीट कर दिया। ममता बेटा आपको समझ में आ गया, सब बच्चों को क्लियर हुआ सबको? देखो द पॉइंट इज कि जब भी आपको कोई चीजें, सपोज करो आपके बाहर बच्चे खड़े हैं, अष्टमी का दिन है, आपको बाहर जाना है और बच्चों को मिठाइयां बांटनी है, तो पहले आप यही तो सोचोगे कि यार किसको कितनी कितनी दूं, तो पहले उन छह चीजों को चार ग्रुप में डिवाइड करोगे, करोगे ना, कि चलो यार एक को वन देते हैं, एक को वन, एक को वन, एक को थ्री, तो चार डब्बे पैक कर दिए, एक में एक चॉकलेट, एक मिठाई, एक में एक, एक में एक, एक में तीन, फिर एक में एक, एक में एक, एक में दो, एक में, केसेस बना लिए, ग्रुपिंग भी हो गई, इतने वेज में ग्रुपिंग हो गई, और डिस्ट्रीब्यूशन करना, बस बाहर जाके डब्बे देने आपको, तो डब्बे दे दो, वन 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 थ्री, वन थ्री वन वन, वो अरेंज कर दो उनको। ये तरीका होता है बेटा, ठीक है, सबको क्लियर हुआ ये वाली चीज, ठीक है, बिल्कुल रोहित बेटा हो जाएगा सिलेक्शन, चिंता मत करो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, और बिल्कुल इसको बोलते हैं बेगर्स मेथड, बिल्कुल उदित्या ने सही बोला है, दिस इज नोन एज बेगर्स मेथड, ठीक है, याद कर लो यार इस मेथड को, तो रट लो कि अगर ऑब्जेक्ट बच्चों को देना होता है हमें, ठीक है, तो हमें पहले केसेस बनाने पड़ते हैं, कितना कितना दें, उनकी ग्रुपिंग करनी पड़ती है, ग्रुपिंग इसलिए क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, पता नहीं किस डब्बे में कौन सा पैक होगा, तो ग्रुपिंग तो करनी पड़ेगी ना, छह चीजों को चार भाग में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अलग अलग वेज होंगे, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्रिक। चलिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं होता असलम तो बेटा 4 की पावर 6, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो 4 की पावर 6, क्योंकि हर चॉकलेट के पास ये चॉइस है वो किसकी झोली में जाके गिरेगी, ठीक है ना, तो पहली चॉकलेट के पास चार चॉइस है, किस बच्चे के पास जाके गिरे, दूसरी के पास भी चार, तो जिसके पास चॉइस होती है वो, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके पास चॉइस होती है, तो 4 की पावर 6 हो जाता है असलम। चलिए, 2211 संजू बेटा उसी में आ गया, वो संजू
2 2 1 1 1 1 2 2 एक ही बात है बेटा, वो मैंने बाद में उसको अरेंज किया ना 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से, वो उसी में आ जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स ऑन ए सर्कुलर टेबल सो दैट नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। ये तो बच्चों के फेवरेट सवाल है यार, कि 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, सर्कुलर टेबल में उन्हें अरेंज करना है और कोई भी लड़का साथ नहीं बैठा। लड़के बहुत शैतान होते हैं तो लड़कों को साथ नहीं बैठाते, ठीक है। तो लड़कों को अगर साथ नहीं बैठाना है, इसको बोलते हैं गैप मेथड, कि हमें गर्ल्स के गैप में बैठाना पड़ेगा सर्कल में, ठीक है। तो वो निकाल लो, इज इक्वल टू 24 टाइम्स नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स टू आर चिल्ड्रन। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट टू आर चिल्ड्रन। अभी क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टू आर चिल्ड्रन। डिस्टिंक्ट वाले में हमेशा केसेस बनाने पड़ते हैं, आइडेंटिकल में वी हैव ए फॉर्मूला, ठीक है। मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल पर जोर डालना, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स टू आर चिल्ड्रन, आर डिफरेंट चिल्ड्रन ही मान के चल रहे हैं, वो होता है एन प्लस, ये प्लीज फॉर्मूला याद कर लो सब बच्चे, एन प्लस आर माइनस वन, जिन बच्चों को नहीं पता, ठीक है, मुझे पता है काफी सारे बच्चों को मालूम भी है ये, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन फॉर्मूला होता है। पिछला जो क्वेश्चन किया हमने वो डिस्टिंक्ट के लिए किया, डिस्टिंक्ट में केसेस बनाने पड़ेंगे, नो फॉर्मूला, लेकिन आइडेंटिकल में वी हैव ए फॉर्मूला। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स टू आर चिल्ड्रन इज एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। आपको एन 7 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आर निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको इस सर्कल वाली ट्रिक सॉल्व करनी है, कि 5 बॉयज 5 गर्ल्स को सर्कल में अरेंज करना है, सो दैट नो 2 बॉयज सिट टुगेदर, यानी गर्ल्स के गैप में उनको अरेंज करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। सर ये वाला क्वेश्चन टेस्ट में था, मॉक टेस्ट में, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन होगा बेटा मॉक टेस्ट में, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम तरोताजा, नया नया आपके लिए फ्रेश फ्रेश बनाया गया है। इसमें मैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व कर रहा हूं, सर्कल भी सॉल्व कर दिया हमने और डिस्ट्रीब्यूशन भी सॉल्व कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि जब वी हैव टाइम, हमारे पास जब एक लिमिटेड टाइम है, तो मैं चाहता हूं कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन में हम लोग एकदम अपना हाथ जमा लें। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं, लेट्स सी। चलो मैं कमेंट्स देख लेता हूं बच्चों के, ठीक है सबको क्लियर हो गया, सही था, युदीपा नमन का भी सही था। सर क्लास 100 मिनट कीजिए बेटा, 100 मिनट भी करेंगे, अभी तो हम चकदे स्टाइल में चल रहे हैं, 7 बजे 70 मिनट वाला फिलॉसफी, उसके बाद फिर विल डेफिनेटली इंक्रीज द टाइम, बिल्कुल करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। 150 नंबर आने पे जनरल में अच्छी एनआईटी मिल जाएगी बेटा, ट्राई करो 170 तक लाने की अंशुल गुप्ता, 170 प्लस लाओगे तो फॉर श्योर एनआईटी के साथ अच्छी ब्रांच भी मिलेगी, ठीक है। पटेल दिया नहीं बेटा, दिया कोई और मेथड नहीं है इसको, यही तरीका है करने का, एंड दिस द इजिएस्ट टू अंडरस्टैंड और बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए काफी सारे बच्चे ने जवाब देना स्टार्ट किया है अब, वेरी गुड, लेट्स सी देखते हैं क्या आंसर आता है बच्चों का। दीपक ने बोला है सर 120, सौरभ बोल रहा है सर आर की वैल्यू 5 है, ठीक है देखते हैं। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ बेटा कि सर्कल में जब अरेंज करोगे तो कैसे होगा, देखो सर्कल में जब ए पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूं, सर्कल में 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, तो सबसे पहले गर्ल्स को बिठा देते हैं, गर्ल 1 मान लेते हैं, गर्ल 5 गर्ल्स हैं, गर्ल 3, गर्ल 4 और गर्ल 5। अगर मुझे बॉयज को साथ में नहीं बैठाना है, इसका मतलब मुझे बॉयज को गैप में बैठाना पड़ेगा, 5 बॉयज गैप में बैठेंगे, कितने गैप्स हैं, एक डॉट से मार्क कर रहा हूं, ठीक है कोई और पेन यूज कर लेते हैं, ठीक है एक गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप, पांचवा गैप। अगर 5 गर्ल्स राउंड में बैठी हैं और किसी लड़के को साथ नहीं बैठने देना है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको लड़कों को गैप में बैठाना पड़ेगा, और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं गैप मेथड। कितने गैप्स हैं आपके पास, हाउ मेनी गैप्स डू यू हैव, जब 5 लड़कियां गोल गोल बैठी हैं तो देख सकते हो 5 ही गैप है, 5 गैप में 5 लड़कों को फिक्स करना है, 5P5 यानी 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दो। 5 लड़के हैं B1, B2, B3, B4, तो 5 जगह उनके लिए, 1 2 3 4 5, 5 जगहों में 5 लड़कों को अरेंज करना है, तो 5 फैक्टोरियल इज द राइट आंसर। लेकिन इनटू, अब गर्ल्स भी तो अरेंज होंगी, तो गर्ल्स तो सर्कल में बैठी है, तो सर्कल में 5 गर्ल्स कितने वे में मूव करेंगी, 4 फैक्टोरियल वेज में मूव करेंगी।
तो ये फाइनल आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, विच इज 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. नाउ दिस इज इक्वल टू 24 टाइम्स नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स टू आर चिल्ड्रन. यानी कि 7 प्लस आर माइनस 1 इंटू सी आर माइनस 1. 24 से 24 कट जाएगा बेटा और 120 की वैल्यू आएगी आर प्लस 6 सी आर माइनस 1. 120 की वैल्यू आएगी आर प्लस 6 सी आर माइनस 1. कौन बच्चा मुझे बताएगा आर की क्या वैल्यू आएगी? लेट्स सी, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं आर की क्या वैल्यू आती है. पुट करके देख लो, प्लीज सॉल्व मत करना आर, क्योंकि चिल्ड्रन है तो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी वन से स्टार्ट हो जाएगा. तो आर की वैल्यू 1, 2, 3, 4 डाल के देख लो, अपने आप आ जाएगा आंसर. सॉल्व मत करना, सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा. आर की वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी आपको इसके अंदर. ठीक है, काफी सारे बच्चों ने मुझे लगता है बता दिया है आंसर, और वो है 4. बिल्कुल, वेरी नाइस, 4 इज द राइट आंसर. जब 1 डालोगे 7c0 वन आंसर आएगा, 2 डालोगे 8c1, 3 डालोगे 9c2 36 होता है, 10c3. तो r को अगर 4 डाला तो 10c3 को सॉल्व करके देखो, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 6, ये 3, ये 5, ये 3, तो ये आ जाएगा 120. वेरी नाइस, तो r की वैल्यू आ गई 4. तो 4 इज द राइट आंसर, वेरी गुड. कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ बेटा? लाइक कर दो यार जल्दी से फटाफट सेशन को. जितने बच्चों को ये आंसर सही आया, समझ में आया, हैज एवरीबॉडी गॉट इट? सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं, सर्कल भी रिवाइज कर रहा हूं मैं साथ साथ, डिस्ट्रीब्यूशन भी रिवाइज कर रहा हूं. ठीक है, और बिल्कुल भी चिंता मत करना, ऐसे सेशंस में पीएनसी का और भी लेकर आऊंगा. तो लेकिन डू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो, नहीं तो फिर मतलब क्वेश्चन बैंक आपका अच्छा खासा इकट्ठा हो जाएगा इन क्वेश्चंस के थ्रू. ठीक है, 4 फैक्टोरियल कैसे आया बच्चे पूछ रहे हैं. देखो सर्कल वाले मैं बता देता हूं एक बार, 5 गर्ल्स बिठाई हमने, लड़कों को साथ नहीं बिठाना, यानी गैप में बिठाना पड़ेगा. गैप कितनी है? जब गोल गोल बैठते हैं तो गैप 5 गर्ल्स में 5 ही होगा, गिन लो 5 गैप आ गए. 5 गैप में 5 लड़कों को बिठाना है, 5 सीट 5 लड़के, 5p5, 5 फैक्टोरियल. लेकिन लड़के ही तो अरेंज हुए, गर्ल्स भी तो अपनी पोजीशन अरेंज कर सकती है, लड़कों को तो बिठाए रखो, लड़के से कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन गर्ल्स का मूव करना, बॉयज का मूव करना, दे आर इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब गर्ल्स को भी मूव कर सकते हो. तो गर्ल्स कितने वे में मूव होंगी? 5ों गर्ल्स सर्कल में बैठी हैं, 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो जाएंगी. ठीक है, क्योंकि एन माइनस 1 फैक्टोरियल आंसर होता है अगर सर्कल का में अरेंज करने होते हैं एन लोगों को. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम और करते हैं, और ये है आज का आखिरी सवाल. इसके बाद मैं दूंगा आपको होमवर्क. और जो बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि अगली क्लास कल क्या होगा, तो मैं उनको बता देता हूं, कल आपका एक और भयानक सा टॉपिक जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है और बहुत लंबा टॉपिक है, वो हम करने वाले हैं, एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे फतेह हासिल करेंगे. ठीक है, कर हर मैदान फतेह. ठीक है, कल टॉपिक का नाम यही होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग कल सॉल्व करेंगे. और इसमें मैं आपको कॉन्जुगेट के, आर्ग्यूमेंट के, मॉडुलस के, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, डी मोबियस थ्योरम, इन सब की प्रॉब्लम्स करवाऊंगा. थोड़ा सा रिवाइज करके आओगे तो और अच्छा रहेगा. कॉम्प्लेक्स नंबर्स कल होने वाला है, टुमारो एट 7 PM. ठीक है, ये प्लीज सब लोग ध्यान रखना. वैसे तो आप लोग स्टोरी देखते होंगे यूट्यूब पे, हम लोग स्टोरीज भी डालते हैं, तो यू शुड वॉच इट. आपको और नोटिफिकेशन आपको मिल जाना चाहिए, बेल आइकन पे प्रेस करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तो यू विल डेफिनेटली गेट ऑल द नोटिफिकेशंस. ठीक है, तो कल कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास है, बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलना. ठीक है, चलिए तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने बच्चे इसको तोड़ते फोड़ते हैं. लेट्स सी. ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा. नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज. आज अरेंज को ही अरेंज कर देते हैं यार, है तो अरेंज को अरेंज करना है ताकि नो टू एज, नो नाइदर टू एज नोर टू आर्स कम टूगेदर. ना तो दो ए साथ आए और ना ही दो आर साथ आए, ये आपको करना है. देखते हैं कितने बच्चे इसको बता पाते हैं. ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, और खुश कर दो यार आज मुझे और अपने आप को भी कि सर यस आखिरी क्वेश्चन आज हमने ठीक कर दिया. चलिए तब तक मैं बच्चों के कमेंट्स ले लेता हूं. ठीक है बेटा, कल का टॉपिक मैंने बता दिया है. संजू बेटा यस, हमने n माइनस 1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज किया था, सर्कुलर वाले में यूज किया था हमने. ठीक है, कल का टॉपिक मैंने बता दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगा. ठीक है, और बताओ और कोई डाउट किसी का? सर अगर मुझे 90% जेई मेन में मिल गई तो व्हाट विल हैपन विद मी? तो मजा आ जाएगा बेटा, आपको अच्छी एनआईटी मिलेगी, और इस वाले सेशन में 99 के ऊपर लाने की कोशिश करो ताकि एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच भी मिल जाए आपको. मोहित बेटा नहीं, मैंने एमटेक नहीं किया, आई एम फ्रॉम बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली.
ठीक है, मैंने सिर्फ बीटेक की है, एमटेक नहीं की है। ठीक है, वेरी नाइस चैप्टर, बिल्कुल। चलो देखते हैं, और बच्चे आने शुरू हुए हैं बच्चों के आंसर। दीपक का आया है बी, ओके, दीपक चौधरी, दीपक बाजीगर, काली काली आंखें, बी। काजल कुमारी ने बोला है बी, सानिध्य पता नहीं हंस रहे हैं, कब से क्लास चल रही है सर? बेटा 7 PM डेली, 7 बजे 70 मिनट हमेशा होगा रोज, एक्सेप्ट संडे, है ना? आप भी संडे मनाओ, हम भी संडे मनाएंगे। बी फॉर बाजीगर, ओके, वेरी गुड। राघव ने बोला डी, पार्थ ने बोला बी, नबी ने बोला बी, काफी बच्चे जवाब दे रहे हैं, बी फॉर बॉम्बे, काफी स्टूडेंट्स आर राइटिंग। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, देन विल रैप अप। वैसे भी 5 मिनट बची हैं, 70 मिनट्स का सेशन था, ठीक है, और मन तो मेरा बहुत है आगे बढ़ाने का, लेकिन ठीक है, काफी है, धीरे धीरे हम लोग इसका टाइम इंक्रीज करना होगा तो करेंगे, अदरवाइज अभी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ऑफ अरेंज सो दैट नाइदर टू एज नोर टू आर्स कम टूगेदर। ना तो दो ए साथ आए, ना तो दो बी साथ आए, नाइदर ए नॉर बी का एक फॉर्मूला होता था बेटा, याद है? डी मॉर्गन्स लॉ बोलते थे उसको, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नाइदर ए नॉर बी का फॉर्मूला होता है टोटल माइनस आइदर ए और बी। ये सबको याद है, मुझे पता है ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल माइनस आइदर ए और बी। तो अब क्वेश्चन ये है कि नाइदर टू एज आर कमिंग टूगेदर नॉर टू आर्स आर कमिंग टूगेदर इज टोटल, टोटल वेज कितने हो जाएंगे, चलो वो तो देख लेंगे बाद में, टोटल माइनस आइदर ए और बी, विच इज ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल माइनस दो ए साथ में आए प्लस दो आर साथ में आए माइनस दो ए भी साथ आ जाए और दो आर भी साथ आ जाए, ये इस क्वेश्चन का मतलब हुआ। अब देखते हैं कितने बच्चों ने इसको ठीक किया है, ये बहुत, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, इट्स ए ट्रिकी प्रॉब्लम, और बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं। अगर नाइदर ए नॉर बी का सवाल आता है तो हमेशा याद करना डी मॉर्गन्स लॉ, विच इज टोटल माइनस आइदर ए और बी, और आइदर ए और बी का फॉर्मूला, ए यूनियन बी का फॉर्मूला सबको पता है सेट थ्योरी से, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी टोटल में से ए का मतलब है, नाइदर ए नॉर बी का मतलब ये टू एज है ये टू आर्स है, इसका मतलब है दो ए साथ आएंगे वो केसेस, दो आर साथ आएंगे माइनस दो ए दो आर साथ आएगा। चलो टोटल केस कितने हैं, अरेंज को कितने वे में अरेंज किया जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल बाय 2a फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये हो गया क्योंकि दो ए हैं दो आर हैं, माइनस दो ए अगर साथ आते हैं तो इसको बोलते हैं यूनिट मेथड, अगर दो ए साथ आते हैं आर आर एन जी ई, तो कैसे करेंगे, दो ए को रस्सी से बांध देते हैं, एक यूनिट मान लेते हैं, एक पर्सन मान लेते हैं इसको, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन, और आर आर को भी ये दो हो गए तो 2 फैक्टोरियल, और अंदर वाला एक ही वे में अरेंज होगा। सिमिलरली अगर बेटा आर और आर अगर साथ में आएंगे तो भी यही होगा, ए एन जी ई, देखो आर आर अगर साथ आते हैं, जब कोई दो नंबर साथ आते हैं तो उनको हम एक यूनिट मान लेते हैं, एक पर्सन मान लेते हैं, तो आर आर को अगर मैंने साथ लिखा तो मैंने एक यूनिट मान लिया, मान लिया, आपने पढ़ा होगा ऐसा मेथड है ना, जो टू गर्ल्स आर ऑलवेज सिटिंग टुगेदर, हम उन्हें एक पर्सन मान लेते हैं, तो कितने अल्फाबेट हो गए, 1 2 3 4 5, इसको एक मान लेते हैं 6, तो 6 फैक्टोरियल, क्योंकि दो ए अलग, दो ए सेम भी आ रहे हैं इसके अंदर, तो बाई 2 फैक्टोरियल। और आप बोलोगे सर अंदर वाले को भी अरेंज करना है, अंदर वाले तो एक ही वे में अरेंज होंगे, प्लस माइनस सॉरी, दो ए साथ आने चाहिए और दो आर भी साथ आने चाहिए, ठीक है, तो इनको यूनिट मेथड मान लेते हैं। अब कितने अल्फाबेट्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5040 बाई, ये टोटल वेज हो जाएंगे 1260, ये हो जाएगा 720 बाई 2 360, ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा 120, यानी दिस विल बी 1260 माइनस 600 विच विल बी 660, तो 660 इज द राइट आंसर बेटा, समझ, पैकेट मेथड जिसको बोलते हैं तुषार, बिल्कुल, यूनिट मेथड, पैकेट मेथड, कुछ भी वर्ड यूज कर लो। सबको क्लियर हुआ बेटा, सैयद समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, अगर नाइदर ए नॉर बी का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, टोटल माइनस आइदर ए और बी करोगे, सबसे पहली बात रखना, आइदर और बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और टोटल वेज तो आपको पता ही, अरेंज के 7 लेटर्स हैं, दो दो सेम है तो 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, अब ए प्लस बी माइनस का मतलब है दो ए साथ आने चाहिए, पैकेट मेथड, यूनिट मेथड, दो ए को साथ ले लो, इन सबको अरेंज कर दो, दो आर को साथ ले लो, इन सबको अरेंज कर दो, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी दो ए भी साथ हैं और दो आर भी साथ हैं,
तो टोटल पांच अल्फाबेट्स हो गए, अंदर वाले तो एक ही वे में अरेंज होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, नाइदर ए नॉर बी, डी मॉर्गन्स लॉ से सॉल्व होता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, और इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किसको बोलते हैं ये? ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है ये वाला, इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन। और नाइदर ए नॉर बी का जो फॉर्मूला है इसको बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। ये आपके जेई में मेन में आ सकता है बेटा, नाइदर ए नॉर बी का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी आता है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? माइनस फाइव फैक्टोरियल आया बेटा प्रांजुल, फाइव नहीं आया, फाइव फैक्टोरियल है। समझ आया फाइव फैक्टोरियल कैसे आया? क्योंकि दो ए दो आर सात आ रहे हैं, तो एक दो तीन चार पांच, पांच अल्फाबेट हो गए टोटल, तो फाइव फैक्टोरियल से अरेंज कर दो इनको, और ये अंदर तो एक एक वे में अरेंज होगा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ बेटा? बाई फोर नहीं होना चाहिए था हर्षित, क्योंकि इनको मैंने यूनिट मान लिया बेटा। आप यूनिट मेथड समझते हो ना, जब आप इन दोनों को एक यूनिट मान लेते, इसको के मान लो, तो के आर आर एन जी ई कितने वे में अरेंज होगा? सिक्स फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल से। और ये के कितने वे में अरेंज होगा? एक वे में अरेंज होगा हर्षित। ठीक है, चलिए ठीक है, सबको क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा आपका अगला सवाल, एंड दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम। ये आपकी बेटा होमवर्क प्रॉब्लम है, और काफी खतरनाक सी होमवर्क प्रॉब्लम है। काफी दिन से मैं थोड़ा इजी होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा था, मैंने सोचा आज थोड़ा सा टेढ़ा होमवर्क प्रॉब्लम देते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 2³³⁵। इट्स अ वेरी ट्रिकी प्रॉब्लम, लेकिन है भी काफी आसान। आपको ऐसे दो नंबर के ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं जिसका एलसीएम ये आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जेई मेन से ऊपर लेवल का है, तो स्क्रीनशॉट लो और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना। मैं हर बच्चे का कमेंट बॉक्स में पर्सनली रिप्लाई करूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं विद आर मोटो कि प्लीज स्टे सेफ स्टे हेल्दी, अपना ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। टेक योर प्रिकॉशंस, स्टे हेल्दी, अच्छा खाना। ठीक है, दो डेढ़ दो महीने आगे के बहुत क्रूशियल हैं। मैराथन सीरीज देखते रहो, ठीक है, और क्लासेस अटेंड करते रहो, एंड डेफिनेटली विल सक्सीड एंड गेट ए गुड परसेंटाइल। और जाने से पहले प्लीज आप इस सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, लाइक बनता है शेयर बनता है। ठीक है, और क्योंकि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं, और कल हम लोग करेंगे 7:70 के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो प्लीज डू ज्वाइन मी टुमारो ऑल्सो एट 7 PM। कल कॉम्प्लेक्स नंबर से लड़ाई करेंगे। ठीक है, अगर पीएनसी में कोई भी प्रॉब्लम बाकी रह गई हो मुझे कमेंट कर दो, अगर लेकिन फिर भी हम और भी आगे पीएनसी के सेशंस में आपके लेता रहूंगा। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन टुमारो 7 PM विद अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।